दोस्तों नमस्कार, जेता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान। जैसा कि आपको विदित है, कल मैंने इसी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के मतगणना के दौरान ये कहा था। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने अनुमान लगाया था कि पीजी महाविद्यालय जेतार में छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर सूरज कुमाऊत विजय हो सकते हैं, और आज वही हुआ। इस चुनावी महासमर में श्री सूरज कुमाऊत 125 मतों से विजयी रहे हैं, और इनका मुखार है। मैं अब आपको सीधे ले चलता हूं जहां मैंने कल इसी स्थान पर ये कहा था कि इस चुनावी महासमर में सूरज कुमाऊत विजयी हो सकते हैं, तो आप वो झलकी भी देखिए। यहाँ ये बताना चाहूँगा, इसी जगह मैंने जिस दिन रमेश चौधरी का मतदान हो रहा था, मैंने उसी दिन ये कयास लगा कर ये कहा था कि उस चुनाव में रमेश चौधरी विजय हो सकते, और आज अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। बावजूद इसके मैं अल सुबह यहाँ इस मतदान की प्रक्रिया में यहाँ आया, और मैंने यहाँ देखा अब तक जो रुझान, हालांकि अभी तक मतदान जारी है, अभी मतदान चल रहा, लेकिन मुझे सूरज कुमाऊत के प्रति रुझान मतदाताओं के प्रति कुछ ज़्यादा लगा। हालांकि मैं ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन स्पष्ट बताना चाहूँगा इस चुनावी महासमर में यदि जीतेगा तो सूरज कुमाऊत ही जीत पाएगा। ये मेरी गणित है, ये मैं इसका कोई दावा नहीं कर सकता। हालांकि आज तक मेरा अनुमान सही गया, सटीक साबित हुआ, और आज भी मुझे, मैं और एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, इस चुनावी महासमर में सूरज कुमाऊत विजय हो सकते हैं। ये मेरा दावा नहीं, ये मेरा आकलन है, जेता न्यूज का आकलन है। तो आपने मेरा आकलन देखा होगा, जेता न्यूज हमेशा सटीक एवं पूर्ण विश्वसनीयता के साथ ही खबरें प्रसारित करता है, और आपने मेरे जैसे एक अनुभवी पत्रकार पर अनेक मित्रों ने आरोप लगाया कि मैं बीजेपी एवं एबीवीपी का काम देख रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, जो सत्य है वही जेता न्यूज के लिए हमेशा सत्य रहेगा। मेरे दर्शकों के लिए वही खबरें मैं प्रसारित करूंगा जो सत्य है। एक बार फिर आपके आशीर्वाद और दर्शकों के स्नेह और मेरे 25 साल के पत्रकारिता के अनुभव का आकलन का ये नतीजा कि मैंने कल ही इसी स्थान से कहा था कि इस चुनावी महासमर में भाई सूरज कुमाऊत विजय हो सकते हैं, और वही हुआ। आसमान में बादल छट गए और सूरज निकल गया। मैं आईबी खान, कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जेतान राज के पीजी महाविद्यालय के मतगणना स्थान से। धन्यवाद। जय हिंद।